गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? ओके, हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात किए थे चार्ट्स इन एक्शन। आज हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं चार्ट्स टाइप का, CHERT चार्ट्स टाइप। ठीक है, चार्ट टाइप। चार्ट का डिफिनेशन हमने प्रीवियस क्लास में देखा था और आज हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ट्स के टाइप, कितने टाइप्स के चार्ट होते हैं। यहाँ पे जो आपके बुक अकॉर्डिंग टू बुक हम लोग चलेंगे तो चार्ट्स कितना है, देयर आर 8 टाइप्स। फर्स्ट है कॉलम चार्ट। फर्स्ट है कॉलम चार्ट, सेकेंड है बार चार्ट, थर्ड है लाइन चार्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू बुक हम लोग चल रहे हैं लाइन चार्ट। फोर्थ नंबर हम लोग बोल सकते हैं, फोर्थ नंबर में आएगा आपका पाई चार्ट। ओके, फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर आएगा एक्सवाई चार्ट, इसको हम बोलते हैं, या स्केटर। ठीक है, स्केटर चार्ट। नेक्स्ट है डहन चार्ट और रडर चार्ट। अब हम लोग एक एक करके इसको समझने की कोशिश कर देंगे। कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एक्स वाई और रडर और रडर चार्ट होता क्या है, उसका कैसे हम लोग यूज करते हैं और उसके किसी की क्या एडवांटेज है, किसकी क्या डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से सब अलग अलग चार्ट हम लोग को प्रिपेयर करने की जरूरत होती है। ओके, सबसे पहले कॉलम चार्ट की बात करते हैं। कॉलम चार्ट में क्या होता है, ये जो होता है कंपेयर करता है दो और टू और मोर वैल्यू को, डेटा सीरीज इन द सेम कैटेगरी को। जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में जिस चार्ट को मैंने बना करके आपको दिखाया था और बताया था, वो चार्ट होता है कॉलम चार्ट। ठीक है, जिस चार्ट का याद होगा आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा, तो ये जो हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको, ऐसा चार्ट ये क्या था, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम चार्ट, जिसमें क्या होता है आपका कि एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली डिफाइन होता है। ठीक है, जैसे ये जो पार्ट है ये वर्टिकली डिफाइन किया गया है, तो ये हो गया कॉलम चार्ट। अगर सेम प्रोसेस, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस होंगे ये, जब ये पार्ट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका बार चार्ट। ठीक है, अब देखिए कॉलम चार्ट में वर्टिकल इमारत होता था और बार चार्ट में हॉरिजॉन्टल इमारत होगा। इसको इमारत इसलिए बोल रहे हैं, इसको ऐसे हम लोग चार्ट की लैंग्वेज में डेटा सीरीज बोलते हैं। क्लियर, तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि कॉलम चार्ट जो होता है वो वर्टिकली रिप्रेजेंट करता है और बार चार्ट हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट करता है, किसको, डेटा सीरीज को। बाकी और इसमें कुछ भी चेंजेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेटा सीरीज जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है, जिसकी वजह से एक का नाम है कॉलम चार्ट और दूसरे का नाम है बार चार्ट। क्लियर, अब हम लोग चलते हैं बात करते हैं लाइन चार्ट की। लाइन चार्ट में क्या होता है कि कोई भी डेटा सीरीज हो
कोई भी डेटा से लाइन के थ्रू शो किया जाता है, ठीक है। जैसे ये जीरो हो गया, लाइन के थ्रू क्या शो करना है, जैसे हम लोग इसमें भी वही सेम एरिया होता है जैसे हम लोग बनाते हैं और चार्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बट इसमें होता क्या है कि अगर किसी डेटा सीरीज का कोई भी डेटा अगर 10 से स्टार्ट होता है तो ये 10 से स्टार्ट होगा, ये पॉइंट बनेगा 10 का, ठीक है। अगर उसका सेम डेटा 20 मूव करता है या 15 मूव करता है तो 15 होगा, अगर वो फिर 5 के अक्रॉस आता है तो फिर ये 5 होगा। तो ये हो गया आपका लाइन चार्ट। फिर किसी दूसरे का इन्फॉर्मेशन सपोज करते हैं कि उसकी इन्फॉर्मेशन 20 होता है, फर्स्ट नंबर उसका 20 है तो 20 से शुरू होगा, 30 है तो 30 होगा, अगर मान लो कि वो फिर 10 है तो ये 10 होगा। हो सकता है कि वो एक दूसरे को क्रॉस करे या ना करे, लेकिन क्रॉस करता भी और करेगा भी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और इसमें दोनों अलग अलग कलर के होंगे, या जितने भी लाइन अगर इसमें प्रिपेयर होंगे बनेंगे, जितना बड़ा डेटे होगा उसके अकॉर्डिंग ये लाइन अलग अलग होगा और उसका कलर होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ई चार्ट, इसमें छुटा हुआ है एरिया चार्ट, एरिया चार्ट, ठीक है। ये आपका हम लोग तीन चार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा जान गए हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो इस तीनों का डिफिनेशन आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसका डिफिनेशन लिखाऊंगा जो आप नोटबुक में नोट करेंगे, ओके। सबसे पहले हम लोग कॉलम चार्ट के बारे में बात करेंगे। कॉलम चार्ट का डिफिनेशन आज ही हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। कॉलम चार्ट का डिफिनेशन हम लोग आज ही कर लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉलम चार्ट का डिफिनेशन। कॉलम चार्ट इज यूज टू कंपेयर द वैल्यू, ऐसे लिख सकते हैं, इट इज यूज टू कंपेयर द वैल्यू, कंपेयर द वैल्यू ऑफ टू आवर, ऑफ टू आवर मोर, टू आवर मोर डेटा थ्री, क्लियर। इट इज यूज टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ टू और मोर डेटा सीरीज। जैसे हम लोग एक डेटा सीरीज ये है, एक डेटा सीरीज ये है, एक डेटा सीरीज ये, तो अलग अलग डेटा सीरीज क्या होता है उसको कंपेयर करते हैं कॉलम चार्ट के थ्रू, ठीक है। डेटा सीरीज इन द, एक वर्ड और इसमें जुटेगा, इन द सेम, इन द सेम कैटेगरी, लेकिन डेटा सीरीज जो होना चाहिए वो एक ही कैटेगरी का होना चाहिए, ये इसका कंपल्सरी है, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो कि एक इन्फॉर्मेशन दूसरा और एक इन्फॉर्मेशन दूसरा, दोनों अलग अलग अगर इन्फॉर्मेशन होते हैं तो वो कॉलम चार्ट के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो आपको बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट के बारे में बात करेंगे, जो हम पाई चार्ट आपको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको नोट जरूर बनाइएगा, नोट बना करके, और जैसे भी वीडियो जाएगा हो सकता है कि मैं आपका होमवर्क दूंगा, उस दिन ग्रुप में थोड़ा होमवर्क को क्लियर करेंगे।